झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने की लगातार पहल की जा रही है। इसी कड़ी में पलामू जैसे जिले जहां नक्सलियों का वर्चस्व माना जाता रहा है, वहां से एक बड़े इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के विभिन्न इलाकों में लगातार नक्सलियों की हो रही गिरफ्तारी से जहां पुलिस का मनोबल ऊंचा हो रहा है, वहीं राज्य में नक्सली खत्म हो रहे हैं। पलामू पुलिस ने जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से 1,00,000 के इनामी नक्सली हरिहर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली हरिहर भाकपा माओवादी संगठन का है, जो कई नक्सली घटना में शामिल रह चुका है। गिरफ्तार नक्सली पर गृह विभाग ने 1,00,000 का इनाम रखा था। नक्सली अपने घर आया हुआ था, उसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पलामू एसपी इंद्रजीत महाथा ने कहा है कि पुलिस लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है कि नक्सलियों का खात्मा हो। पलामू पुलिस ने लेस्लीगंज थाना के भलासी भकासी भलमंडा क्षेत्र से भाकपा माओवादी के 1,00,000 के इनामी उग्रवादी हरिहर यादव को आज अहले सुबह 2 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर जो है हत्या का मामला, अपहरण का मामला और मारपीट का मामला, नाजायज मजमा बना के भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य के रूप में इसमें शामिल रहा है, पलामू पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस क्षेत्र में जो है पुनः हुआ जो है संपर्क सूत्र बनकर जो है माओवादी संगठन की गतिविधियों को जो है विस्तार देने का प्रयास जो है संपर्क सूत्र के रूप में कर रहा था, तो पलामू पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।